welcome you all class 12th another topic of biology today we are starting biotechnology and its application what are the application of biology so in this lesson we will talk about various application of biotech or biotechnology first one kya kaha biotechnology use ho that is called therapeutic usage therapeutic we can say that we can also make some medicines we can also use some recombinant vaccines so that's why it also having the therapeutic use of biotechnology then diagnostic technique with the help of the biotechnology we know that in the biotech we know the structure of gene genetic composition so it also help to early diagnose of the various diseases इफ़ एनी जेनेटिक म्यूटेशन विल भी देयर अगर वहाँ कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी भी हमें अर्ली नॉलेज हो जाएगी जिससे हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं जीन को रिप्लेस करने में हमें काम करते हैं जीन थेरेपी जिसको बोलते हैं ये डायग्नोसिक के बाद ही होगा जब हम डायग्नोस कर पाएंगे कि ये डिफेक्ट करा है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं जीन किस के साथ मेनुपुलेशन का काम कर रहे हैं नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जी एम ओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज ठीक है अब यहाँ पर जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेज हम अपटेन करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जिससे बेटर प्रोडक्शन हम ले पाएँ देन प्रोसेस फूड अगर किसी फूड को हमें प्रोसेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं बायो रेमेडिएशन कोई रेमेडी में सुधार करना है वेस्ट ट्रीटमेंट वेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी देन एनर्जी प्रोडक्शन हम क्या प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड वेरियस फील्ड वेयर द बायोटेक्नोलॉजी गेट एप्लीकेबल जहाँ पर बायो टेक्नोलॉजी का क्या होता है एप्लीकेशन होता है नाउ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है

ठीक है ताकि जीन को इम्प्रूव करके जीन के अंदर वो करेक्टर को इम्पोज करके हम उससे वो प्रोडक्शन ले पाए सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का क्या एडवांटेज है इट इज मोर टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस सच एज कोल्ड ड्रॉट सलिनिटी हीट एक्सेट्रा ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा अगर हम मान लिया कोई क्रॉप डिजाइन कर दें तो वो क्रॉप के अंदर टोलरेंस की पावर बढ़ जाएगी टोलरेंस की पावर बढ़ जाएगी तो उसका प्रोडक्शन डेफिनेटली क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अब इन्वायरमेंटल कंडीशन कोई स्ट्रेस है हीट है वो प्लांट ही अपने आप को इट्सल्फ बचा लेगा क्योंकि उसके अंदर वो जीन होंगे कि वो अपने आप को उनसे बचा ले इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप द क्रॉप बींग पेस्ट रजिस्टेंस सो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड अगर हम उसके अंदर पेस्ट रजिस्टेंस जीन को इंसर्ट कर दें तो उसकी जो केमिकल में अभी तक डिपेंडेंसी थी केमिकल पेस्टिसाइड में जो डिपेंडेंसी थी कि जब तक हम केमिकल इंसर्ट ना करें केमिकल स्प्रे ना करें तब तक वो उस पेट से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था अब क्या होगा प्लांट की वो डिपेंडेंसी केमिकल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और वो अपने आप ही उसके अंदर रजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा उस पेस्ट से रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज होता है बाई इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ और डिलेइंग एजिंग पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस हैव बीन रिड्यूस इन सर्टेन क्रॉप अब क्या होगा मान लिया उसकी लाइफ साइकिल को हम चेंज कर रहे हैं उसकी डिले एज डिले करा दे रहे हैं जिससे क्या होगा लॉन्ग टाइम तक वो परसिस्ट रहेगा और हमें उसके हारवेस्टिंग लॉस कम हो जाएगा और बेटर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देन एफिशियंट मिनरल यूजेज बाई प्लांट्स मीन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट मीन जो अर्ली एग्जोस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी क्योंकि क्या होगा वो मिनरल को एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर देंगे प्लांट्स ठीक है ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा सॉयल से मिनरल ले रहे हैं और उसका एफिशियंटली यूज ना हो जिससे बहुत सारे न्यूट्रेन जो सॉइल में हैं वो क्या हो जाएंगे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फर्टिलिटी डिंक्रीज हो जाती है इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू को हांस कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हमने अंदर वो जीन इनकलकेट किए हैं जो पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिय सेचित हों फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए रिच राइस विटामिन ए रिच हम राइस बना दें जिसको गोल्डन राइस भी बोलते हैं हाई प्रोटीन प्रोटोटो हम उसके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दें जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो प्रोटोटो के अंदर तो वो उसका भी प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा उसके सिवाय स्पेसिफिक टेलर मेड प्लांट प्लांट हैव क्रिएटेड टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज फ्यूल्स एंड मेडिसिन तो हम कोई अल्टरनेट चीज़ उसमें डाल के वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड फ्लावर कलर इन ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक रोज एंड पिटूनिया जैसे ब्लू कलर के रोज हम बना दें जो कि अगर हम मान लिया ऐसे अल्टर कर दें जीन तो वो अलग अलग वैराइटी के ऑर्नामेंटल फ्लावर देना शुरू फ्लावर प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे जिससे क्या होगा उसकी वेराइटियल डिफरेंट हो जाएंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक ह्यूमन इंसुलिन इंटरफेरॉन ठीक है ये हम कहां पर यूज कर सकते हैं ब्लड कोलोटिंग फैक्टर ट्रांसजेनिक प्लांट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक मैनुफैक्चरिंग चर्निंग आउट द यूजफुल कंपाउंड सो दीज आर वेरियस थिंग टू इनेबल नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट लाइक सीरियल्स टू फिक्स नाइट्रोजन बाय ट्रांसफरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कॉल्ड निब जीन इन टू द नॉन नाइट्रोजनस फिक्सिंग प्लांट अगर मान लिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जो प्लांट के अंदर टेंडेंसी होती है उनसे हम वो निब जीन निकालें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है उस प्लांट के अंदर अगर वो हम किसी ऐसे प्लांट के अंदर जा रहे जैसे सिरल प्लांट के अंदर डाल दें तो जो नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अभी तक नाइट्रोजन फिक्सन नहीं करता अब हम उस प्लांट के अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया इनकॉर्पोरेट कर दिया उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया कौन से जीन से निप जीन से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर है वो जीन वो न्यूक्लोटाइड के सीक्वेंस जो नाइट्रोजन फिक्सन में मदद करते हैं तो वो जो अभी तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते वो प्लांट भी क्या करना शुरू कर देंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देंगे और जिससे क्या होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा और प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होगी और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इस तरह हम उसको एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं तो दैट इज़ द वेरियस एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये बहुत सारे एडवांटेज हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के